लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में ही रहते हैं, मगर पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवर खुले में ही घूमते रहते हैं, जो ढोर चराने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। धार जिले के सलकनपुर क्षेत्र के कोडगा गांव में शेर ने दो लोगों को एक साथ हमला कर दिया, जिसमें महेश पिता सुखराम और संजय पिता सोहन दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। वन विभाग की टीम और नालछा पुलिस थाना से भी टीम मौके पर पहुंच गई थी, जबकि वहां के सरपंच और ग्रामीण का कहना है कि ऐसी दुर्घटना पहले भी हो चुकी है, जिसमें युवक को पहले भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। धर्मपुरी से कैलाश मालवी की रिपोर्ट। जैसे खबर लगी पंचायत में बताया था कि शेर यहाँ पर पाइप में घुसा हुआ भी था, शेर टीम को बताया भी था, पर वो टीम इंदौर से आने के बताया बोले कांच में देख लेते करके कांच सामने करा, उसके में शेर निकल के भाग गया। थाना नालछा लगा था, क्या हिसाब से सबसे बात हो गई थी? हाँ पुलिस भी थी, सौ नंबर गाड़ी में दो को पहुँचाए भी जिनको घायल कर दिए थे, दोनों को पहुँचा हॉस्पिटल पहुँचा दिया। बच्चे का नाम बताओ, पिता का नाम बताओ। क्या नाम है? महेश पिता सुखराम। पिता सुखराम संजय पिता मोहन। दोनों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे रास्ते के उसमें पानी रहता है और हमारा उससे काम चलता है, किसी एक दो को काटा रास्ते चलते हुए चलने वालों को, उसको काटा बता रहे हैं रेंजर साहब, उनका इलाज करवा रहे हैं। हाँ तो पकड़ने के लिए अभी इंदौर से टीम आ रही है और अपने इधर से भी आ रहे हैं, धार से भी आ रहे हैं, इंदौर से भी आ रहे हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मोहनगढ़ निवासी